राजा जी टाइगर रिजर्व पर बाहरी लोगों का कब्जा। 34 हेक्टेयर वन भूमि पर कर रहे हैं अवैध खेती। राजा जी टाइगर रिजर्व में कासरू रेंज के पास करीब 34 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण कर बाहरी लोग अवैध रूप से खेती कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए अतिक्रमण सामने आया। राजा जी टाइगर रिजर्व में कासरू रेंज के पास करीब 34 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण कर बाहरी लोग अवैध रूप से खेती कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में अतिक्रमण सामने आने के बाद PCCF अनूप मलिक ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने 2 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। PCCF अनूप मलिक ने CM पुष्कर धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान की समीक्षा के दौरान राजाजी पार्क और शिवालिक सर्किल के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि DFO वन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे, अन्यथा वो अपनी लापरवाही के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार और उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नदी श्रेणी और नदियों किनारे चिन्हित अतिक्रमण को 2 हफ्ते में हटाएं। उन्होंने सभी डिवीजनों को रोजाना वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को रिपोर्ट देने के भी सख्त निर्देश दिए। बैठक में राजाजी पार्क निदेशक डॉक्टर साकेत बाडोला, डिप्टी डायरेक्टर कहकशा नसीम, शिवालिक CF राजीव धीमान, DFO देहरादून नितेश मणि त्रिपाठी, DFO हरिद्वार नीरज शर्मा, गोविंद वन्यजीव विहार के डिप्टी डायरेक्टर मयंक शेखर झा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।